हेलो मेरे छोटे भाइयों एंड बहनों, मुझे पता है कि आज आपका सीए फाउंडेशन का रिज़ल्ट है। आप सभी रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हो और ऑल द वेरी बेस्ट सभी स्टूडेंट्स को। आई होप आप बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास हो जाओ। अभी मैं बस उठा हूँ, नहाया हूँ और अभी बस पूजा करने वाला हूँ। तो मैं डेफ़िनेटली आप सभी के लिए प्रे करूँगा कि जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं सभी बहुत अच्छी तरीके से पास हो जाए। और एक्सपेक्टेड टाइम के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ऑल द बेस्ट के लिए थम्स अप वाला जो बटन होता है उस पर क्लिक कर दीजिए। सबको ऑल द बेस्ट। एंड यस, आपका जो एक्सपेक्टेड टाइम की मैं बात करूँ, नॉर्मली आईसीआई का रिज़ल्ट अभी तक की अगर अपन बात करें जो पास्ट के ट्रेंड के हिसाब से, तो आपका जो रिज़ल्ट है वो 12 या 1 बजे से पहले। अभी देखो सुनना, ठीक है, ये टाइम जो है वो लेट टू लेट, बट मेरी जो गट्स फीलिंग है ना वो भी बता देता हूँ। ये 12 से 1 मैं लेट टू लेट बोल रहा हूँ कि वहाँ तक तो आ ही जाएगा, ठीक है। बट जो मुझे फील आ रहा है, क्योंकि लास्ट अभी का इंटर का आया वो भी 10 बजे के पहले आ गया, ठीक है, उसके पहले भी इंटर वालों का फाइनल वालों का 10 बजे के पहले आ गया था। तो जहाँ तक मुझे अंदर से फील आ रही है कि आपका जो रिज़ल्ट है 9:15 से 9:30 के बीच में आपको देखने को मिल सकता है। हाँ, हो सकता है कि लेट अगर हो तो 12 से 1 लेट टू लेट में बोल रहा हूँ, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि 9:30 तक तो आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका रिज़ल्ट का एक्सपेक्टेड टाइम है। ऑल द वेरी बेस्ट, टेंशन मत लीजिए, पॉजिटिव ही रिज़ल्ट आएगा। और अगर कुछ होता है तो टेंशन मत लीजिए, मैं टेलीग्राम की लिंक में डाल रहा हूँ, वहाँ से आप मुझे पर्सनली भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको सही गाइडेंस दूँ पास होने के बाद भी, ठीक है। तो आप ज़रूर से मेरे को रीच आउट करिए, कोई भी हेल्प चाहिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।